हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के स्टूडियो में बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस BA 6 सेमेस्टर पेपर आपका 2 रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति आपके क्वेश्चन पेपर का टाइटल रहेगा। इस वीडियो में टॉप MCQ जो है मैं यहाँ पर आपके कवर कराऊँगा। यकीन मानना इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायरेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है, राष्ट्रों के बीच राजनीति के लेखक हैं। राष्ट्रों के बीच राजनीति के लेखक कौन है? मार्गेंथाउ हो जाएंगे, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ था 1993 में। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अच्छा, आपको ये वाला PDF अगर डाउनलोड करना है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वाला PDF तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। या फिर आप क्या करेंगे, आपको मेरा स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा होगा, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करेंगे, सर टेलीग्राम का लिंक दे दीजिए, तो मैं आपको दे दूँगा। आप लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे और आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा जो यूनिवर्सिटी कराती है वो मेरे आपको इसी नंबर पे सेंड कर देना है, जिसके आंसर की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैंने सिलेक्ट किया है, वुड्रो विल्सन प्रस्तावक थे। वुड्रो विल्सन किसके प्रस्तावक थे? आदर्शवाद के प्रस्तावक थे। बा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैंने सिलेक्ट किया है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस अनुशासन की शाखा थी? अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस अनुशासन की शाखा थी? राइट आंसर आपको लगाना है राजनीति विज्ञान की शाखा हो जाएगी। सा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध तुलनात्मक रूप से अनुशासन है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध तुलनात्मक रूप से अनुशासन है। कैसा अनुशासन है? नया अनुशासन है। आ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है, यथार्थवाद मुख्य रूप से विश्वास करता है। यथार्थवाद मुख्य रूप से किस में विश्वास करता है? युद्ध और संघर्ष में विश्वास करता है। बा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है, आदर्शवाद मुख्य रूप से विश्वास करता है। तो आदर्शवाद किस में विश्वास करता है? व्यापार और सहयोग में विश्वास करता है। सा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सार है। यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सार क्या हो जाएगा? सत्ता की खोज। सा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है, यथार्थवाद एक सामान्य दर्शन है जिसे किसका विरोधी माना जाता है? यथार्थवाद क्या है? एक सामान्य दर्शन है जिसे जो है विरोधी माना जाता है। किसका विरोधी माना जाता है? आदर्शवाद का विरोधी माना जाता है, ठीक है। यथार्थवाद को आदर्शवाद का विरोधी माना जाता है, याद रखना, ठीक है। यथार्थवाद क्या है? एक सामान्य दर्शन है जिसे जो है आदर्शवाद का विरोधी माना जाता है। सा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजने के लिए मार्गेंथाउ ने कितने नियमों का उल्लेख करता है? राजने के लिए मार्गेंथाउ कितने नियमों का उल्लेख करता है? तो 9 नियमों का उल्लेख करता है, ठीक है। सा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन हो जाएगा राज्यों के बीच संबंध, ठीक है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय शक्ति के मूल तत्वों को किसने मूर्त एवं अमूर्त के रूप में वर्गीकृत किया है? राष्ट्रीय शक्ति के मूल तत्वों को किसने मूर्त एवं अमूर्त रूप में वर्गीकृत किया है? राइट आंसर आपको लगाना है पामर एवं पार्किंस ने, ठीक है। पामर एवं पार्किंस ने वर्गीकृत किया है। बाय यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है राष्ट्रीय हित। सा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के प्रमुख साधन कौन सा है? राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के प्रमुख साधन कौन से हैं? राइट आंसर आपको लगाना है आर्थिक साधन हो जाएगा, साम्राज्यवाद हो जाएगा और उपनिवेश हो जाएगा, ठीक है। युद्ध हो जाएगा, कूटनीति हो जाएगा, प्रचार और राजनीतिक युद्ध हो जाएगा, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे राष्ट्रीय हितों के अभिवृद्धि के प्रमुख साधन हो जाएंगे। उपरोक्त सभी। डा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। थॉमस रॉबिन्स ने राष्ट्र हित के प्रकारों को कितने वर्गों में बांटा है? राइट आंसर आपको लगाना है 6 वर्गों में बांटा, ठीक है। थॉमस रॉबिन्स ने राष्ट्र हित के जो प्रकार हैं उसको 6 वर्गों में बांटा है। आ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण ने महत्व दिया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण ने महत्व दिया है। किसको दिया है? राष्ट्रीय हित को महत्व दिया है। आ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसकी रक्षा के लिए राष्ट्र बड़े से बड़े बलिदान और त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं? राइट आंसर आपको लगाना है प्राथमिक हित की रक्षा के लिए, ठीक है। किसके लिए? प्राथमिक हित की रक्षा के लिए राष्ट्र जो हो जाएंगे बड़े से बड़े बलिदान और त्याग करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। सा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैंने सिलेक्ट किया है, राष्ट्र शक्ति में तकनीकी प्रगति के किस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्र राजनीति को सबसे अधिक प्रभावित किया? राष्ट्रीय शक्ति में तकनीकी प्रगति के किस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सबसे अधिक प्रभावित किया है? राइट आंसर आपको लगाना औद्योगिक तकनीक, सैनिक तकनीक, संचार तकनीक, इन सभी को प्रभावित किया है। द यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामूहिक वर्ग को खतरे से आज़ादी को कहते हैं। सामूहिक वर्ग को खतरे से आज़ादी को कहते हैं सामूहिक सुरक्षा। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसके अनुसार हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं है और ना ही कोई हमारा सदा रहने वाला शत्रु, केवल हित ही शाश्वत है? तो ये कथन हो जाएगा लॉर्ड पामस्टोन का। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसने कहा कि निशस्त्रीकरण होना चाहिए? तो निशस्त्रीकरण होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसके अनुसार निशस्त्रीकरण कुछ या सब शस्त्रों में कटौती या उनको समाप्त करना है ताकि शस्त्रीकरण के दौर का अंत हो? राइट आंसर आपको लगाना है मॉर्गेंथाउ के अनुसार। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगस्त 1945 की हिरोशिमा पर अमेरिका ने कौन सा बम फेंका था? ठीक है, अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अमेरिका ने कौन सा बम फेंका था? राइट आंसर आपको लगा देना है लिटिल बॉय। ठीक है, द यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नागासाकी पर अमेरिका ने फैटमैन बम कब फेंका था? तो फैटमैन जो फेंका था ना 9 अगस्त 1945 को फेंका था। बा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना? हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री 1933 में बना था। द यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है नाटो जो हो जाएगा, निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है। बाकी आपके तीनों जो हो जाएंगे निशस्त्रीकरण से संबंधित है, अच्छे से पढ़ लेंगे। द यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस देश ने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए? तो अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर भारत ने किए हैं। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवाई कौन था? राइट आंसर आपको लगाना है अमेरिका था। बा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हिटलर ने कब आत्महत्या की थी? तो 30 अप्रैल 1945 को हत्या की थी। ठीक है, डेट आपको याद रखना है क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना डेट से ही आपको आते हैं। तो 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या की थी। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कौन से देश ने 1954 में सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट पर बैन लगाया था? राइट आंसर आपको लगाना है भारत ने लगाया था। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुआ था? राइट आंसर आपको लगाना है 11 नवंबर 1918 को हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने कब प्रवेश किया था? राइट आंसर आपको लगाना है 8 सितंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने प्रवेश किया था। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जर्मनी ने वर्सा की संधि का उल्लंघन कब किया था? जर्मनी ने वर्सा की संधि का उल्लंघन 1935 में किया था। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, CTBT का पूरा नाम क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी ही जाती है, याद करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी जो है CTBT की फुल फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 को की गई थी। आज जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ये वाला PDF आप एक बार अच्छे से खुद से ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे मैंने इसको डाल दिया है, तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम से ज़रूर इसको अच्छे से एक बार खुद से ज़रूर पढ़ लेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट मुश्किल से आपको पूरा PDF पढ़ने में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैंने सिलेक्ट किया है, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवाई कौन था? शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवाई हो जाएगा रूस। बा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 को किया था। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, होमी जहांगीर बाबा कौन थे? राइट आंसर आपको लगाना, एक वैज्ञानिक थे। सा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चीन ने अपना परमाणु परीक्षण कब किया था? तो चीन ने अपना परमाणु परीक्षण जो है 1964 में किया था। सा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परमाणु अप्रसार संधि कब लागू की गई थी? तो परमाणु अप्रसार संधि जो है 1968 में लागू की गई थी। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अरब इसराइल युद्ध कब हुआ था? तो अरब इसराइल युद्ध जो हुआ था 1973 में होता है। बा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परमाणु अप्रसार संधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया था? राइट आंसर आपको लगाना 1995 तक बढ़ा दिया गया था। सा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रतिवर्ष कब सार्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है 8 दिसंबर को सार्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। बा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसराइल कब आज़ाद हुआ था? तो 1948 में इसराइल आज़ाद हुआ था। ठीक है भाई, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत में इसराइल एजेंसी कब खुली थी? 1992 में खुली थी। सर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसराइल कब गए थे? राइट आंसर आपको लगाना है 2017 को गए थे। सर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आसियान का चार्टर लागू किया गया, आसियान का चार्टर जो है 15 अगस्त 2018 को लागू किया है। द यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आसियान के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? तो आसियान के चार्टर में आपके 55 अनुच्छेद हो जाएंगे। सर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अलवा में पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है, किसको प्राप्त है? हेती को, सीरिया को, ईरान को, इन तीनों को जो है प्राप्त है उपरोक्त सभी। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन काठमांडू में आयोजित हुआ, कब हुआ था? तो 2014 को हुआ था। ठीक है, नवंबर 2014 को हुआ था। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सार्क का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? राइट आंसर आपको लगा देना है अड्डू में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, सेट कर लेंगे, अड्डू में हुआ था, अड्डू शहर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दशेक्ष का 15वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था, कहाँ पर हुआ था? कोलंबो में हुआ था। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सार्क का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? राइट आंसर आपको लगाना ढाका में हुआ था। द यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सार्क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1985 में हुई थी। बा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बगेरा समझौता का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से है? राइट आंसर आपको लगाना एपेक्स से हो जाएगा। द यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भूमंडलीकरण की अवधारणा का विश्लेषण किसने किया है? तो एंथनी गिडेंस ने किया है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत में भूमंडलीकरण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1991 में हुआ था। बा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म के लेखक है? तो हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म के लेखक हो जाएंगे बेलर स्टेन। बा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा प्रभाव भारत का भूमंडलीकरण का नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, राष्ट्रीयकरण। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है मनमोहन सिंह हो जाएंगे। ठीक है, दा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वैश्वीकरण ने नई चुनौतियां पैदा की हैं, तो छोटे उत्पादकों के लिए। ठीक है, बा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र में लाभ नहीं हुआ है? राइट आंसर आपको लगाना है कृषि क्षेत्र में। सर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, तो गरीब हुए हैं। सर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भूमंडलीकरण की विचारधारा पर टिका है कौन टिका है? उदारवाद टिका है। सा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किसके अनुसार भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिक या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है? राइट आंसर आपको लगाना है रॉबर्ट स्टन। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो 1969 में की गई थी। बा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, वैश्वीकरण के कारण विश्व का स्वरूप किस प्रकार का हो गया? राइट आंसर आपको लगाना है वैश्विक गाँव का। सा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकार को सार्वभौम घोषणा कब अपनाई गई थी? राइट आंसर आपको लगाना है 10 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में शिक्षा के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? राइट आंसर आपको लगाना अनुच्छेद 21 ए में दी गई है। सा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जल्दी से कवर करा दिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मेरी तरफ सब सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़।